2017 में मैंने इंडिया विजिट किया था। आई एम एक्चुअली लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर लास्ट 12-15 सम ईयर्स। तो 2017 में आई विजिटेड माय होम टाउन वडोदरा गुजरात। वहाँ पर मैंने देखा, मैं ऐसे ही सिटी में सामने डिनर करने गया था, वहाँ मैंने देखा कि पान शॉप्स आज भी इंडिया में कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड। और इफ आई वुड से पान का बिजनेस इंडिया में आफ्टर चाय पान का बिजनेस द सेकंड हाईएस्ट बिजनेस इन टर्म्स ऑफ द ईयरली रेवेन्यूज। पान का बिजनेस, पान की इंडस्ट्री आज 42,000 करोड़ की एनुअल टर्नओवर के हिसाब से चल रही है। तो इससे बड़ा बिजनेस इंडिया में आफ्टर चाय नहीं है, एक भी बिजनेस नहीं है। तो दैट इज अ वेरी गुड मार्केट शेयर फॉर एनी पान बिजनेस और एनी बिजनेसमैन टू कैप्चर। तो हम लोग ने एक डिफरेंट डायरेक्शन में एक इनोवेटिव आइडिया से एक नया स्टार्टअप शुरू किया 2018 में, जिसका नाम है पानकासा। सो पानकासा, तो पानकासा का मतलब क्या है? काफ़ी दफ़ा हम लोग को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पानकासा का मतलब क्या है। तो पान हो गया पान, और कासा, कासा इज अ स्पेनिश वर्ड, उसका मतलब होता है हाउस। तो पान हाउस, तो उसका हम लोग ने क्यों ये नाम रखा? तो हम लोग एज आई सेड कि हम लोग पहले से फैमिली को टारगेट करते हैं, फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है। तो हमको यही चाहिए था कि जब नाम कोई बंदा सुने तो उसको लगना चाहिए कि यहाँ पर फैमिली एनवायरमेंट हो, जहां पर टबैको सर्व नहीं करते, वहां जहां पर स्मोकिंग की कुछ चीज